निश्चित तौर पर सोनीपत की जनता उनको भारी मतों से विजयी बना के और प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। कि जैसे ब्रह्मचारी जी यहाँ जीत के गए थे, सुरेंद्र पवार जी भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि उनकी जीत जो ना एक तरफा रहेगी। जनता बदलाव चाह रही है, 10 साल हो गए बीजेपी का राज देख लिया, जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। हुड्डा साहब से अच्छा आदमी इस हरियाणा में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बनेंगे और 100% बनेंगे। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो मुद्दे सुरेंद्र पवार जी ने विधानसभा में उठाए हैं। अब इसका नाम हरियाणा प्रदेश नहीं है, यहाँ पर फिरौती प्रदेश है। जो भी कभी यूपी के ऐसे हालात होते थे उससे बदतर हालात जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने इस हरियाणा के बनाए हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं। सोनीपत में क्या कहें कि अब की बार हम सेक्टर 15 में जो विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी उनके निवास पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं जो भीड़ का नज़ारा है, ये इसलिए है क्योंकि उनको टिकट मिल गया है, पहली ही लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है और अच्छे व्यक्तित्व को टिकट देना बताया जा रहा है कि यहाँ सुरेंद्र पवार की जय जयकार भी होने लगी है। एक बार बातचीत कर लेते हैं उनके सहयोगी सुरेंद्र चिकारा जी से। बातचीत के दौरान ये जानेंगे कि अब की बार कैसा माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, विपक्ष में रहेगा, क्या होगा, ये सब जान लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप जी। थैंक यू आपका जी। चिकारा साहब क्या कहेंगे, अब की बार फिर से टिकट लेने में कामयाब रहे हैं पवार साहब, तो इस बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि कैंपेनिंग कौन करेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोबारा से सुरेंद्र पवार पर उन्होंने आस्था जताई है और निश्चित तौर पर एक अच्छे उम्मीदवार और एक जनसेवक जो सोनीपत के हैं उनको दोबारा से विश्वास जताया। निश्चित तौर पर सोनीपत की जनता उनको भारी मतों से विजयी बना के और प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। और सही मायने में 36 बरादरी का अगर कोई नेता है तो वो सुरेंद्र पवार है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पहले भी लगातार 5 साल विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे इंतकाल की बात हो, चाहे यहाँ की जो जितनी भी कॉलोनियाँ उनको पक्का करवाने की बात हो और जितने भी ऐसे मूलभूत ज़रूरियात जो रहे हैं, चाहे PPE की जो इन्होंने वो पोर्टल बनाया था उसकी हो। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो मुद्दे सुरेंद्र पवार जी ने विधानसभा में उठाए हैं और इसीलिए एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका चैनल का नाम श्रेष्ठ है तो निश्चित तौर पर भाई सुरेंद्र पवार भी सर्वश्रेष्ठ MLO के रूप में जाने जाते हैं और आगे मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। वो हिरासत में है, ऐसे में कैसे चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाया जा सकेगा, थोड़ा उसके बारे में। हमारे को न्याय प्रणाली पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जल्दी और इस धरती पर, इस पर कहीं भगवान है तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र पवार जी बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई किसी का गलत काम नहीं किया, हमेशा लोगों की भलाई की है और भगवान जी भी इस बात को देख रहे हैं। जल्दी वो बाहर आएंगे, सोनीपत की जनता की सेवा करेंगे और हमारे बीच में रह के ही वे कंपेनिंग करेंगे। चिकारा साहब, निखिल मदान को भी टिकट मिला है, वो भी कांग्रेस से अभी भाजपा में शामिल हुए थे और इधर से सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं कड़े प्रतिद्वंदी आपस में हैं, कैसे जीत पाएंगे सोनीपत की जो विधानसभा है उसको? नहीं देखिए, मैं तो प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदिता की बात करें और एक वो अच्छे उसकी बात करते कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी हैं तो उन्होंने अपना उम्मीदवार देना चाहिए था। कांग्रेस का उदाहरण लिया हुआ उम्मीदवार वो दे रहे हैं तो कहाँ प्रतिद्वंदी है, वो तो कांग्रेस का ही एक नुमाइंदा था और कल तक जो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा था, कांग्रेस की जो बात कर रहा था, तो सोनीपत की जनता इस बात को नकार चुकी है, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सबको उनका अच्छे से पता है। आप क्या कहेंगे दैया साहब इसके बारे में, आप वकील हैं और कानून के अलावा राजनीति भी जानते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कैसा मुकाबला रहेगा और कौन जीत पाएगा? मुकाबला बिल्कुल नहीं रहेगा। आप पहले भी आए थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और मैंने आपको बताया था दावे के साथ कि जैसे ब्रह्मचारी जी यहाँ जीत के गए थे, सुरेंद्र पवार जी भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि उनकी जीत जो ना एक तरफा रहेगी, कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस का ही आदमी है, भाजपा के अंदर अपना आदमी ही नहीं था। अब 10 साल तक अगर भाजपा का आदमी होता तो आपको पता चलता, अब जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से आप देखें सारी रोडों की दुर्दशा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। अब 2 दिन पहले भी आप जो कानून की बात करते हैं, एक पटवारी को उठा लिया था, कभी किसी को उठा लेते हैं। अब इसका नाम हरियाणा प्रदेश नहीं है, यहाँ पर फिरौती प्रदेश है। जो भी कभी यूपी के ऐसे हालात होते थे उससे बदतर हालात जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने इस हरियाणा के बनाए हैं, तो पूरे हरियाणा के लोग 36 बिरादरी के भाई इसको बस हाथ के बटन की वेट कर रहे हैं कि 5 तारीख कब आए और इनको चलता करें।
चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से कांग्रेस शासन आने की बात कही जा रही है आपके द्वारा, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा, और अगर कांग्रेस आ जाती है तो प्रदेश के कैसे हालात बन पाएंगे? ऐसा है, जनता बदलाव चाह रही है, 10 साल हो गए बीजेपी का राज देख लिया है, जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। और जो जनता की आवाज़ से पता लग रहा है, 90 में से कम 70 सीटें हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी जा रही है, और हुड्डा साहब के 10 साल जनता ने देख लिए, बहुत विकास हुए हैं, मतलब चहुमुखी विकास हुए हैं, बहुत ही बच्चों को रोजगार मिले हैं। तो मैं 2005 से कंटिन्यू पार्षद हूँ, तो मैंने ही हुड्डा साहब के राज में 10 साल में को 50 करोड़ के काम कराए, तो विकास के बहुत काम हुए हैं। तो बहुत मुद्दे हैं, हुड्डा साहब से अच्छा आदमी इस हरियाणा में कोई नहीं है, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बनेंगे और 100% बनेंगे। चलिए, अभी जैसे हमने इनसे बातचीत की है, बातचीत में ये भी खुलासा हो गया है कि हुड्डा जैसा मुख्यमंत्री नहीं है और उन जैसा काम करने वाला नेता नहीं है। कांग्रेस के बड़े एक नेता का इन्होंने नाम लिया, फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, और मेरे पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों की थाप पे नाचना शुरू हो गया है लोगों का। और इस वक्त हम सेक्टर 15 में ये सारा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, और इस नज़ारे के पीछे सुरेंद्र पवार की जो टिकट मिलने की कहीं ना कहीं खुशी है, उसको भी माना जा रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।